नमस्कार साथियों, आइए एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ एक प्यारा सा आरती गीत लेकर के। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। साथियों, बहुत सारे साथियों का कमेंट था, सर एक आरती सॉन्ग लेकर के आइए ओम जय जगदीश हरे का। तो आज मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। आइए मैं एक एक स्टेप को हारमोनियम पर कोई भी सॉन्ग निकालने का जो तरीका है उसके साथ ही साथ मैं यह सॉन्ग को भी बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए लास्ट तक। जब भी हम कोई सॉन्ग को ढूंढते हैं या खुद से बजाने के लिए जब सोचते हैं तो इतने सारे बटन देख करके लगता है कौन सा बटन दबाऊं जो कि गाना का शुरुआत हो जाए। तो भटकना नहीं है सारे बटन के ऊपर। आपको क्या करना है देखिए, जिस तरह से मैं सेटिंग किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काले बटन को कवर कर लेना और बीच से इसे अस्थाई मानकर कोई भी सॉन्ग को ढूंढना है। ये दोनों बटन को, और ये दोनों बटन के ऊपर हाथ रखने के बाद इसके स्वर में स्वर अपना मिलाइए। और अगर यहाँ से स्वर का रेंज ऊपर है कोई गाने का तो ये साइड से ढूंढिए, या फिर नीचे है तो इधर से ढूंढिए। एक चीज़ जो रेगुलर करना चाहिए लोगों को, कोई भी सॉन्ग को अगर ढूंढने के लिए चालू करें तो ये साइड से कीजिए ताकि स्वर का रेंज जितना भी ऊपर रहेगा यहाँ से यहाँ तक मिल ही जाएगा। तो आइए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, भक्त जनों एक एक अंगुली से बताऊंगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए, मैं एक एक अंगुली से बताऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और एक बार में आप बजा लें। देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से। ओम जय जगदीश हरे। गाने की स्पीड के हिसाब से बजाएंगे तो सही समझ में आएगा। देखिए कैसे, और मैं एक एक उंगली से बता रहा हूँ तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा लेकिन सेम स्वर वही है। ओम जय जगदीश हरे। क्लियर? देखिए कैसे, ओम जय जगदीश हरे। थोड़ा स्पीड है यहाँ पे हरे पे, ये वाला बटन थोड़ा हल्का गा का यूज है। उसके बाद स्वामी ओम जय, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। क्लियर? देखिए फिर से, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। क्लियर? पहले क्या था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद दास जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, दोनों में खाली बोली अलग है, स्वर सेम है। देखिए कैसे, क्लियर? फिर भक्त जनों के संकट, तो स्वर सेम स्वर का यूज हुआ है, सिर्फ बोली अलग है। देखिए, दास जनों के संकट, भक्त जनों के संकट। उसके बाद है, क्षण में दूर करे स्वामी जय जगदीश हरे, क्षण में दूर करे। उसके बाद स्वामी, स्वामी
अब आइए इसके अंतरे की ओर। मात पिता तुम मेरे, स्वामी चरण पढ़ूं किसकी, तुझ बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, जय जगदीश हरे। तो बहुत ही प्यारा सा लाइन है। मात पिता तुम मेरे, क्लियर? देखिए फिर से। मात पिता तुम मेरे, उसके बाद स्वामी चरण पढ़ो किसके, फिर से। क्लियर? एक बार और देखिए। स्वामी चरण पढ़ो किसके, इस बार तुझ बिन और न दूजा, देखिए। तो इस तरह से कोई भी सॉन्ग को ढूंढने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप में उसे अलग करना है, जिस तरह मैं किया हूँ एक एक स्टेप को। उसके बाद हारमोनियम में बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑक्टेव को सिलेक्ट करना है, जिससे सात स्वर मिला करके एक ऑक्टेव बनता है, एक सप्तक जिसे बोलते हैं। उसके बाद एक एक दो बटन ये साइड से और एक दो बटन ये साइड से आपको एक्स्ट्रा रखना है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ से सा मानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया। तो एक्स्ट्रा में ये बटन आ गया, एक्स्ट्रा में इधर। अगर हम यहाँ से सा मान रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो 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 काले बटन, दो तीन काले बटन एक्स्ट्रा है। क्या होता है ना कि इतना सारे बटन रखने के बाद आपको कोई भी सॉन्ग बजाना हो तो आसानी से मिल जाता है कोई भी गाने का नोटेशन। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपका कुछ राय है और कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।